क्या आप जानते हैं कि PSL में PCB पैसे कैसे कमाता है? इतने करोड़ों रुपए टूर्नामेंट में इकट्ठे हो जाते हैं कि PCB तो PCB, खुद फ्रेंचाइजीज भी मारा माल हो जाते हैं। आखिर इतना सारा रोकड़ा आता कहां से है? ये सारा पैसा किस तरह से तकसीम होता है? इसमें PCB को कितना हिस्सा जाता है? फ्रेंचाइजीज को कितना पैसा मिलता है? खिलाड़ी कितना कमाते हैं? इतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होने का सोर्स क्या है? यानी पैसे की जो असल रेल पेल है वो आ कहां से रहा है? आप भी यही सोच रहे होंगे, इतनी महंगी महंगी टिकट्स जो बेचता है PCB। तो नहीं जनाब, टिकट्स तो PCB की कमाई का कुछ भी नहीं है। या यूँ कहें कि टिकट्स के पैसे तो आटे में नमक के बराबर है, क्योंकि पैसे की असल गेम कहीं और है। आपको आज वो जगह बताएंगे जो असल में PCB को मारा माल करता है। PSL पर पैसों की बारिश होती है तीन तरीकों से। ये तीन तरीके कौन से हैं और PSL का फाइनेंशियल मॉडल क्या है, ये बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो PSL दुनिया की कामयाब तरीन लीग है, जहाँ इंटरनेशनल स्टार्स भी जलवे बखेरते हैं। उन्हें VVIP सिक्योरिटी दी जाती है, 5-स्टार होटल्स में उनका स्टे होता है। इस सब पर करोड़ों रुपयों का खर्चा आता है। अच्छा, ये पैसा दे कौन रहा है, ये आपको बताते हैं कि PSL के पैसे कमाने के तीन मॉडल्स हैं, जिसमें सबसे बड़ा मॉडल टाइटल स्पॉन्सरशिप है। जैसे HBL PSL, ये HBL फ्री में नहीं लगा, या PCB को कोई प्यार नहीं है HBL से, बल्कि HBL ने PSL को 2025 तक खाली अपना नाम लगाने के लिए 3.90 अरब रुपए दिए हैं, तब जाकर इनका नाम आता है। पैसा कमाने का दूसरा बड़ा सोर्स है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। PCB ने PSL सीजन 7 और 8 के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स A Sports और PTV Sports को $24 मिलियन यानी 4.30 अरब रुपए में बेचे। बाद में 10 स्पोर्ट्स को भी राइट्स दिए गए। इसके अलावा लाइव मैच दिखाने वाले दराज टैप मैच जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन भी मैच लाइव दिखाने के लिए PCB को करोड़ों रुपए देते हैं। पैसा कमाने का ये हो गया दूसरा सोर्स। फिर बारी आती है स्पॉन्सर्स की। मैच के दौरान प्लेयर ऑफ द मैच हो गया, स्क्रीन पर आप टपाल की देखते हैं या ओसाका बैटरी समेत बाउंड्रीज पर जो आपको एड्स नजर आते हैं, ये सारे स्पॉन्सरशिप्स हैं। ये तमाम स्पॉन्सर्स PCB को करोड़ों रुपए देते हैं मैच में अपने एड्स चलाने के लिए। इसी तरह टिकट्स की अगर हम बात करें तो 2020 में PCB ने टिकट से तकरीबन 36 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था, और अब तो टिकट से भी पैसा डबल हो गया, क्योंकि टिकट्स की कीमतें भी डबल हो गई हैं। अब PSL का पैसा तो जमा हो जाता है, ये पैसा PCB फ्रेंचाइजीज के साथ कैसे डिवाइड करता है? तो जनाब, 2020 में तकरीबन 1.5 अरब का खर्चा आया था PSL पर। 80% फ्रेंचाइजीज को जाता था और बाकी PCB के खाते में, जिस पर फ्रेंचाइजीज को एतराज था कि उन्हें पैसा कम मिलता है जबकि उनका खर्चा ज्यादा होता है। जिसके बाद ये फार्मूला चेंज करके फ्रेंचाइजीज का हिस्सा 95% कर दिया गया, यानी फ्रेंचाइजीज को कमाई में से 95% मिलता है, जबकि PCB को PSL का सिर्फ 5% मिलता है। क्योंकि फ्रेंचाइजीज भी अपना अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करती है, इसलिए उन्हें हिस्सा भी ज्यादा दिया जाता है। इस तरह प्लेयर्स ड्राफ्ट, जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जिनमें टॉप की प्लैटिनम कैटेगरी है, इस कैटेगरी में प्लेयर को $1,30,000 से $1,80,000 तक दिया जाता है। तो सवाल ये है कि फ्रेंचाइजीज प्लेयर्स को इतने ज्यादा पैसे कैसे देती है? तो जनाब, यहाँ भी स्पॉन्सर्स पैसा पानी की तरह बहाते हैं। जैसे लाहौर कलंदर्स की किट है, इस पर आपको मुख्तलिफ लोगो नजर आते हैं। ये तमाम लोगो वो फ्री में नहीं लगाते, बल्कि स्पॉन्सर्स इस फ्रेंचाइज को अच्छा खासा पैसा देते हैं अपने लोगो लगाने के लिए, चाहे वो शर्ट हो, शूज हो, या उस फ्रेंचाइज के सोशल मीडिया पोस्ट हो। हर जगह आपको उन स्पॉन्सर्स के लोगो नजर आते हैं। इस पैसे से फिर फ्रेंचाइजीज आगे प्लेयर्स को पैसा देते हैं। PCB के मुताबिक उन्होंने सिर्फ PSL 7 से 2.30 अरब रुपए का सिर्फ मुनाफा कमाया था। अब आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि PSL तो PCB के लिए सोने की कान है, जो सिर्फ उन्हें कमा के देता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए।